वेलकम टू पियाजो जनता सर्विस। आज हम बात करेंगे पियाजो आप इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो चुका है और इसमें हमने चेक किया तो इसमें बैटरी का प्रॉब्लम हुआ है, मतलब BMS का जो 48 वोल्ट का हमारा BMS बैटरी आता है उससे प्रॉब्लम है, तो उसे हम डिसेंबल करेंगे और चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा देखिए स्टार्टिंग प्रॉब्लम है और ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमने चेक किया इसमें BMS का प्रॉब्लम है, 5 अलार्म आ रहा है और ये इसमें वो आउटपुट नहीं आ रहा, तो हम चेक करेंगे, इसलिए हमने खोल दिया है। और ये देखिए अमरॉन का बैटरी रहता है इसमें 48 वोल्ट का। पियाजो की ऑटो इलेक्ट्रिक हो या महिंद्रा की ट्रियो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सभी में BMS बैटरी लगा हुआ, लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है 48 वोल्ट का। और इसे कैसे रिपेयरिंग करते हैं देखिए, बने रहिए। इस बैटरी में एक BMS किट लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं, और इसके अलावा एक सर्किट बोर्ड लगा हुआ है। ये आपका BMS किट है और ये आपका सर्किट बोर्ड है, और इसी में ब्लूटूथ भी अटैच है जिससे हम लैब पैरामीटर देख सकते हैं। और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिर्फ आपका BMS ही मिलेगा, यानी BMS किट ही मिलेगा, वही बहुत बड़ा सा। और इसे देखते हैं कैसे रिपेयरिंग करते हैं। ये आप सेल देख सकते हैं, छोटा छोटा सेल लगा हुआ है, जबकि महिंद्रा ट्रियो में बड़ा सा सेल लगा हुआ है। इसमें ज़्यादा बड़ा फॉल्ट हुआ नहीं है और इसमें इसे सिर्फ रीसेट किया जाएगा। और एक और व्हीकल है उसमें डीप डिस्चार्ज में चला गया है बैटरी, और उससे कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं वह देखिएगा अगले वीडियो में। और ये आप देख सकते हैं इसमें हीट सिंक भी लगा हुआ है, और इसमें टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है इस बैटरी के अंदर इसी में। और कमाल की बात यह है कि यह टेम्परेचर सेंसर किसी भी सर्किट बोर्ड में या किट में लगा हुआ नहीं है, यह वायर में लगा हुआ है। और यह जो रेड वायर आप देख रहे हैं वह सभी बैटरी के पॉजिटिव वायर में सब अटैच है, और वही जा कर के आपको BMS किट में लगा हुआ है। इसका सर्किट डायग्राम PDF में शायद हमारे पास हो तो हम अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। ये हमारा केन का वायर है, और कभी भी डिसअसेंबल करें बैटरी या रिपेयरिंग करें तो सबसे पहले इसी वायर को खोला जाता है, इसी कपलर को खोला जाता है। और इसे रीसेट करने के लिए भी इसे खोल करके इसे लगाने से सारा BMS रीसेट हो जाएगा, जैसे कि फ़ोन को रीसेट करते हैं। ये देखिए लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गया, और ये हमारा बैटरी सही स्टेटस में मालूम पता चलता है, यानी ये बैटरी ठीक ठाक है अभी फ़िलहाल। अब इसे ऑन करके देखते हैं, चलिए ऑन कीजिए। ये हमने ऑक्सिलरी बैटरी लगा दिया, अब इग्निशन देंगे। नेगेटिव लगाइए इसको, देखो तेजी से लगाइए। और ये हमारा बैटरी, ये गाड़ी हमारा ऑन हो चुका है। आगे पीछे कीजिए ऐसे, ना 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 सटा रखिए, ठीक है। कभी कभी छोटे फॉल्ट पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाता है। और ये देखिए हमारा गाड़ी, अब इसे रिवर्स में करके अब देखते हैं, सॉरी फ्रंट में, ये हमारा गाड़ी चल रहा है, अब रिवर्स में चला के देखते हैं। ये हमारा न्यूट्रल में है और रिवर्स, अब देखिए रिवर्स में यहाँ इंडिकेट कर दिया है, अब देखिए गाड़ी ये हमारा पीछे भी जा रहा है, तो हमारा गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये फ्रंट में आगे जा रहा है, ठीक है, गाड़ी हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। अब इसे फिट कर देंगे और अगले वीडियो में बताएंगे कि बैटरी को बैलेंस किया कैसे किया जाता है। ये डीप डिस्चार्ज में हो गया तो कैसे उसे बैलेंस किया जाएगा,
तो ऐसे ही कमाल के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसे ही कमाल के वीडियो लाते रहेंगे।